अभी हम लोग के सामने आप सभी को प्यारे चाहने वाले बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी, उसका भाषण सुन रहे हैं आप लोग। आसनसोल लोकसभा निर्वाचन में क्या होगा अब देखा जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या बोलेंगे, और चारों तरफ जो खामोशी छा गया था, खामोश जो डायलॉग आप लोग सुना है, वो फिर से शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ आप लोग देखिए कथा होगा। नहीं बहुत हमेशा मैंने जो हिस्टीरिया ऑफ सपोर्ट देखा, इमोशंस देखा है तृणमूल कांग्रेस ममता जी और अपने फेवर में समर्थन में, जो हिस्टोरिकल मोमेंट लेकर हम आए हैं यहाँ पे, हमें लगता है पूर्ण विश्वास है प्रभु की असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, कि हम यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे अपने रिजल्ट और बहुमत के ज़रिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसके बाद भी जो है, चिंता नहीं चुनौती भी नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा अभी प्रायोरिटी जो है वो है अभी इस इलेक्शन को। किसी भी इलेक्शन में कितना भी आपको अच्छा लगता हो, कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और आपके सामने जो लोग हैं वो दंगे फसाद और क्या क्या भर और ध्रुवीकरण के लिए बहुत मशहूर हैं और बहुत बदनाम हैं, उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए ताकि हम मुद्दों से भटकने ना पाएँ। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए सही मायने में चुनौती है तो वह है चुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप बताइए कि आप जब भाजपा में थे और इस वक्त के भाजपा में क्या आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखते हैं? बहुत पहले जिस भाजपा में मैं था और बहुत सालों रहा मैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा थी और वाकई बड़ी ज़बरदस्त भाजपा थी वो। वो मैं उस कहूँगा उसने जो हम ममता जी भी बहुत तारीफ़ करते उस भाजपा की, उस समय लोकशाही थी। और अभी की भाजपा जो है, हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा है, वहाँ बिल्कुल तानाशाही हो चुकी है। उनके एलाइज जो हैं, चाहे CBI हो कि ED हो कि उनके एलाइज जो हैं इनकम टैक्स वाले हों या और भी एजेंसीज हैं, वो उनके साथ उस एलाइज के साथ वो चल रहे हैं। और उस एलाइज के साथ वो लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अपने तानाशाही के आधार पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस के, आप भी अकेला क्वेश्चन नहीं, आप अकेला क्वेश्चन करेंगे और कोई नहीं क्वेश्चन करेगा। नहीं, अभी संदेश तो अभी हमने आपको दे दिया है। रानीगंज भी हमारा अपना है, बड़े प्यारे लोग हैं। इसके पहले कल्याण बनर्जी जी ने इतना अच्छा बोला, हम यही देना चाहते हैं। मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ ममता जी का कैंडिडेट हूँ, ममता जी के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, उनके निमंत्रण पे। अब एक जिम्मेदारी का एहसास है आसनसोल के और बंगाल के लोगों का दिल और जीत सकूँ। इसलिए जो जीत की बात की है, यहाँ जीत जो दिख रही है कि बहुत अच्छी खासी जीत होगी, सही मायने में जीत ममता जी के नेतृत्व की होगी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की होगी। और सबसे बड़ी जीत जो है हमारे बंगाल और खासकर हमारे आसनसोल की जनता जनार्दन की। नहीं, अभी आप देखिए, अभी प्राथमिकता क्या है। अभी आपके सामने मैंने एक ट्रेलर संक्षेप में सामने कहा है, हमने प्राइवेटाइजेशन की अभी जिक्र किया, सरकारीकरण जो कह रहे हैं आप, किन लोगों ने किया उसका भी जिक्र किया। हमने कहा देश कैसे लोग बेचने के कगार पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, भेल सेल रेलवे सारे जो हैं, एयरलाइंस एयर इंडिया। लेकिन हम अभी कह रहे हैं कि अभी हमारा पहले सब जगजीत सिंह की जो गज़ल थी ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो पहले आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाने दो, ये चुनाव हो जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, फिर कल्याण बनर्जी जी हैं, हमारे और लोग हैं, फिर ममता जी हैं, इन लोग से बैठ के, वो तो खुद ही इतना लड़ती हैं और संघर्ष करती हैं जनता लोग जनता जनार्दन के लिए, और हमने उसमें एक अहम हिस्सा एक मजबूत दबंग रोल हमें अदा करना है। तो मैं अभी कह चुका हूँ कुछ और बाकी हम करेंगे। कल्याण दा का एक प्रश्न है, 90 के दशक में आपने जो पिक्चर बनाई थी, 70 साल, तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, हम लोग जब रिपीट देखे तो रिपीट जब देखे काला पत्थर, उस काला पत्थर में आप जब इस कोलेरी अंचल को देखे थे धनबाद का शूटिंग में, क्या अभी आपको इच्छा करती है कि आप कोलेरी के अंदर जाएं फिर अपनी वो याददाश्त को दोहराएं भीतर में जाके लाइव? हमने
काला पत्थर की थी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स पे बाय द माफिया एंड द मैनेजमेंट, वो भी हमने की थी। कालका फिल्म आई थी जिसको अवार्ड भी मिला था और कई स्टेट्स में टैक्स फ्री भी हुआ था वो। तो उस हिसाब से हमारा कोल फील्ड से पुराना नाता था, हम आके शूट भी करते थे धनबाद में। उस समय मैं आसनसोल कई बार आना जाना होता था, एक घंटा तो है ड्राइव यहाँ से, एक डेढ़ घंटे की तो ड्राइव है धनबाद से यहाँ। तो बहुत अच्छा रहता था, हमारा नाता रिश्ता बहुत पुराना है और याददाश्त ताज़ा करने की वहाँ फिल्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो ताज़ा तो आप लोग करा ही देते हैं, आप लोग करा दिया है। हम करें लेकिन ना तो आउटसाइडर है ना, बाहरी है, बाहरी मुझको बाहरी कह रहा है, मुझको जो भगवान को इतना प्यार करता है, जो भगवान से इतनी लगाव है, जो बंगाली भाषा बोलता है, जो बंगाली कल्चर को प्यार करता है, जो भगवान ने इतने साल उसने कई फिल्में की है, उसको आप कह रहे हो आउटसाइडर है। अगर वाकई मैं आउटसाइडर हूँ